बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आंवले को अंग्रेजी में इंडियन गूसबेरी कहते हैं। सदियों से आयुर्वेद और यूनानी तिब की बहुत अहम दवा समझी जाती है। ये एक दरख्त का फल है जो जायके में किसी कदर खट्टा होता है और इंडिया और पाकिस्तान में बकसरत पाया जाता है। अलबत्ता हिंदुस्तान में इसे वसी पैमाने पर काश्त और इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में इसे ज़्यादा से ज़्यादा आंवले का मुरब्बा बनाने में इस्तेमाल में लाते हैं। दूसरी सूरत में ये खुश्क हालत में सारा साल दस्तियाब रहता है। आंवले का खट्टा जायका इसमें मौजूद बहुत सारे विटामिन सी की वजह से होता है। आंवले में मौजूद मुफीद अज्जा की बात करें तो इसमें कीनू और मौसम्बी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और पोटाशियम के साथ साथ फाइबर की भी अच्छी मिकदार मौजूद होती है। और एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो विटामिन सी समेत इसमें फ्लेवोनाइड्स, टैनिन्स और एलर्जिक एसिड पाए जाते हैं। इतने ढेर सारे फ़ायदेमंद अज्जा की वजह से आंवले का बाकायदा इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। आंवले का बाकायदा इस्तेमाल कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वो लोग जो मौसम में हल्की सी तब्दीली से ही नज़ला जुकाम और खांसी में मुबतला हो जाते हैं इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आंवले में मौजूद फाइबर निज़ाम हजम को दुरुस्त रखता है और कब्ज़ में भी मुफीद है। ये खून में मौजूद LDL यानी ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफा करता है। इसके साथ साथ ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मुफीद है। ये खून में शक्कर की सतह को मामूल पर रखता है और इसकी वजह से खून में मौजूद इंसुलिन ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करती है। इसलिए अगर शुगर के मरीज से बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो इनकी शुगर कंट्रोल में रहती है। इसमें मौजूद विटामिन सी कोलेजन की पैदाइश में इजाफा करता है जिसकी वजह से हमारी जल्द भी सेहतमंद रहती है। ये आंखों की बीमारी मोतिया से भी तहफ़ फराहम करता है और बिनाई को तेज करता है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी अज्जा जिस्म में होने वाली दायमी सोजिश को कम करके जिस्म में होने वाले दायमी दर्दों को भी रफा करता है। ये खून में जमा होने वाले जहरीले मादों को खारिज करके जिगर और गुर्दों को सेहतमंद रखता है। ये तो हो गए आंवले के इस्तेमाल से होने वाले फायदे। अब बात करते हैं कि इसे कैसे और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। तो खुश्क आंवले के बीज निकालकर इसका पाउडर बना लें। मिकदार खुराक एक चाय का चम्मच दिन में एक से दो बार तक ले सकते हैं। इसके मुकम्मल फायदे हासिल करने के लिए इसे कम से कम 6 हफ्ते तक इस्तेमाल करें और हर 6 दिन बाद 1 दिन का वक्फा जरूर दें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपनी सेहत बेहतर करने में कुछ मदद जरूर मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।